हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बताऊंगी कि चिकन विंग्स कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत गाइस, और प्लीज क्लिक द बेल आइकन, क्योंकि हमारे जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बनाएंगे हम केएफसी। केएफसी हम घर में बनाएंगे। इसके लिए हमने कल चिकन लाके रखा था फ्रिज में। हमने इसे 2-3 बार वॉश करके और हल्दी अदरक शुंठी पेस्ट, अब हमने यहाँ पे 1 कटोरी दही लिया है, ये डाल देंगे। एक स्पून व्हाइट विनेगर लिया है। आपके पास व्हाइट विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। यहाँ पे पेपर पाउडर लिया है, एक स्पून पेपर पाउडर डाला है हमने। अब डालेंगे नमक, आधा स्पून नमक डाला है क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें नमक डाला था। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अभी देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स किया है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। देखिए अब हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके रखा है, और यहाँ पे अदरक शुंठी पेस्ट भी डालना है, लेकिन हमने पहले ही ऑलरेडी डाल के रखी थी इसलिए हमने यहाँ पे नहीं डाला है। अब हम इसे फ्रिज में 4 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। हमने यहाँ पे मैदे की कटोरी लिए बड़ी, और छोटी कटोरी लिए है कॉर्नफ्लावर की, और यहाँ पे लिए मसाले। यहाँ पे पेपर पाउडर है यानी काली मिर्च पाउडर, हल्दी, रेड चिली, सॉल्ट यानी नमक, धनिया पाउडर और ऑरिगेनो। अब हम ये सब यहाँ पे बाउल में मिक्स करेंगे। दही डाला है हमने, अब डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर और ये सब मसाले। इसे अभी हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स किया है, और यहाँ पे हमने ठंडा पानी लिया है, और हमने अभी फ्रिज से चिकन जो रखा था रेस्ट के लिए, अभी 4 आवर्स रखा था हमने, मतलब 4 घंटे। देखिए हमने कढ़ाई में ऑयल डाल के सिम पे रखा है। तब तक अब हम देखिए कितने अच्छे से मसाले इसके अंदर गए हैं, अच्छे भीग गए। और यहाँ पे हमारा जो चिकन शॉप वाला है वो पहले से हमें यहाँ पे लाइन मार के दिया है, आपके यहाँ पे नहीं है तो आप चाकू से कट कर दीजिए। अब हम इसमें ये मसाले में डालेंगे। अब हम इसे झटका करके इसको डस्ट करके यहाँ पे पानी में डालेंगे। दो तीन मिनट पानी में रखेंगे, फिर वापस निकाल के फिर हम इसमें मिक्स करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आटा थोड़ा भी छोटा नहीं है, आराम से दिखाई देता है, कितने अच्छे से कोटिंग बैठा है। इसे अभी 2-3 मिनट रखेंगे।
दो तीन मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे निकालेंगे। और ये हमने नॉर्मल वाटर लिया है, इसको अच्छे से हीट लगाना है। अरे अभी हम इसका डस्ट करेंगे, एक्स्ट्रा आटा निकल जाए। और फिर हम इसमें फिर पहले के जैसे करेंगे, पानी में डाल देंगे इसे। अभी हमें और दो तीन मिनट रखना है, फिर वापस आटे में डालना है। अभी यहाँ पे दो तीन मिनट हो गया है, अब हम इसे निकालेंगे। इसे कोटिंग बैठा है, देख सकते हैं आप। अब हम इसे अब हम इसे प्रेस कर कर लेना है अच्छे से। पहले हमने हल्के हल्के लगाए थे, एक्स्ट्रा आटा निकालेंगे। हमारा पैन गरम हो चुका है, अब हम इसमें इसे तीन चार मिनट पलटना नहीं है, पहले नीचे का फ्राई होना फिर वापस हम उसे पलट देंगे। तीन चार मिनट रखा था हमने, अब हम पहली बार ही पलट रहे हैं। अभी इस साइड में भी हमें तीन चार मिनट धीमी आंच पे पकाना है। हमने इसे धीमी आंच पे एक 8-9 मिनट पकाया है। देखिए गाइस, हमारा KFC बिल्कुल बनकर रेडी है और ये बहुत क्रिस्पी है और अंदर से बहुत जूसी। और यहाँ पे आपका ऑप्शन है, आप मेयोनीज चीज ले सकते हैं, बहुत अच्छा है गाइस। और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका KFC कैसे बना। और प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत गाइस। और प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन, क्योंकि हमारी जब भी नई वीडियोस आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरा